नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजभवन के पास पुलिस वाहन में लगी भीषण आग। राजभवन गेट नंबर 14 के सामने कैदी वैन में लगी भीषण आग। पुलिस की गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप, गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों ने बचाई जान। गोसाईगंज स्थित जेल से जिला न्यायालय जा रही थी कैदी वैन। महिला कैदियों को पेशी लेकर जा रहे थे पुलिसकर्मी। सभी कैदियों और पुलिसकर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने से मची अफरा तफरी। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। राजभवन के पीछे मॉल एवेन्यू रोड पर लगी आग। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव विश्वकर्मा। राजभवन गेट नंबर 14 पर स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से आग लग गई और तुरंत वहां के महिला जो उसमें सुरक्षा गार्ड लगे थे, महिला सिपाही, उनको तुरंत उतार लिया। बहुत ही कुशलता से उनको बाहर उतार लिया। आग लग गई, बढ़ गई, तुरंत उनको खबर मिली फायर हजरतगंज में। तुरंत दो गाड़ियों सहित वापस मौके पर आया, तुरंत आग बुझाया। पूरी महिला, 9 महिला थी, 9 महिला कैदी सुरक्षित हैं और दूसरे वैन से वो उनको गंतव्य स्थान पर भेजी जा चुकी हैं। असल उनकी सुरक्षा में जो महिला कांस्टेबल थी, क्या उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उनको नीचे निकाला था कि और भी लोग आ गए थे निकालने? नहीं, जहां तक मुझे खबर है महिलाओं के द्वारा ही उनको उतारा गया। आग का कारण यही बताया गया ड्राइवर साहब के द्वारा कि इसमें वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसकी वजह से आग लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।